हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोजत रोड कस्बे में ओवर ब्रिज पर दो दिन पूर्व हुए जन आंदोलन व पंचायत समिति सदस्य अनिल कुमार व्यास व ग्रामीणों के साथ मिलकर जिला कलेक्टर नमित मेहता को लाइट कनेक्शन के अभाव में बंद पड़ी रोड लाइटों की समस्या के प्रति ज्ञापन सौंपने के बाद प्रशासन हरकत में आया। बुधवार दोपहर में उपखंड अधिकारी गोपाल जांगिड़ ने मौके पर पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य अनिल कुमार व्यास ने उपखंड अधिकारी को ओवर ब्रिज की खामियों से अवगत करवाया। वहीं इनके साथ ग्रामवासी मौजूद थे। वहीं सोजत उपखंड अधिकारी गोपाल जांगिड़ ने आश्वासन दिया कि जल्द ही ओवर ब्रिज पर होगी रोशनी। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए सोजत उपखंड अधिकारी गोपाल जांगिड़ इन्होंने ये कहा, सबसे बड़ी जो समस्या ज्वलंत मुद्दा चल रहा था, पिछले काफ़ी समय से कुछ ज्ञापन भी आए थे, समाचार पत्रों में भी काफ़ी चर्चा में था और कुछ दुर्घटनाएं भी हुई थी, उसको देखते हुए हमने जिला प्रशासन को इससे अवगत करवाया और जो भी संबंधित विभाग थे उनके बीच में कोई भी जो भी समन्वय की समस्या थी उसको दूर करते हुए उस समस्या का निदान कर दिया गया और संबंधित जो अपना PWD डिपार्टमेंट है उन्होंने जो बिजली विभाग द्वारा जारी डिमांड नोटिस था उसकी राशि जमा करवा दी है और जैसा कि AN साहब अभी बता रहे हैं बिजली विभाग को उन्होंने रोड लाइट के लिए काम कनेक्शन के लिए काम शुरू कर दिए आज कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम 24 घंटे में इस कनेक्शन चालू करके रोड लाइट का काम। सर जो अभी जागरूक टीवी के सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।